आज देखते हैं पहाड़ वाले आए हैं समुद्र में क्या करते हैं। पहन लो मम्मी जी, आप भी दादी पहन लो ड्रेस। मिला माता और कर तन्हा। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो अभी guys, हम हैं गोवा में। लास्ट व्लॉग में आप देखा होगा मैंने मम्मी पापा अम्मा अब को सरप्राइज दिया था गोवा ट्रिप का। मैं उनको गोवा ले आया था मुंबई बोल के, तो काफ़ी मस्त लगा। और अभी हम हैं हमारे प्राइवेट विला पे जो कि हमने पूरा बुक कर रखा है, तो मैं आपको पूरा टूर दूंगा। तो हमें कैसा लगा आपको ये बताओ, सरप्राइज कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अभी देखना, अभी तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, और थोड़ी देर में इससे बड़ा गैस करो क्या होगा। कर सकते हो गैस भाई? मतलब ही नहीं है इससे, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो ऐसा सरप्राइज है। आप खुश हो जाओगे, आप तो इतना खुश हो जाओगे ना। पहले ही है, क्या है फिर? चलो भी बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको हमारे विला का टूर देता हूँ पूरा, कि किस तरह का होता है गोवा में। अगर आपको भी विला बुक करने हैं, हमने फर्स्ट टाइम कोई विला बुक करा इस तरह से, तो किस तरह का होता है। हमने इको स्टे से बुक करा था, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा अगर आपको बुक करना है तो इको स्टे से। तो मैं आपको पूरा टूर देता हूँ किस तरह का है, क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ से है एंट्री, यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ से है एंट्री। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो मस्त पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वैसे मेन एंट्री घर की यहाँ से, देखो मम्मी निकली ना, तो यहाँ से अंदर आते ही यहाँ पे है प्यारा सा डाइनिंग टेबल, जहाँ पे हम सभी बैठ के मस्त डिनर करेंगे, लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये प्राइवेट है, हमारा है, हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है पूरे विला में। यहाँ पे है किचन जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे गैस वैसे सब सामान है, सब फ्रिज में कुछ सामान रखना हो जो भी हम खरीद के लाएँ, खुद बनाना हो जैसे मम्मी को कुछ बनाना है, हम आपके लिए खुद के लिए फिर हमारे लिए, तो यहाँ पर बना सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा सा किचन है, देखो यहाँ पे है एक बेडरूम जहाँ पे अभी कोई भी नहीं रह रहा। अगर चाचा चाची आते पीयूष कुनाल लेते तो वो यहाँ रह सकते थे, बट पीयूष कुनाल के पेपर चल रहे हैं ना, इसलिए उनको नहीं ला पाए, बट नेक्स्ट टाइम जरूर लाएंगे। यहाँ पे खेलने के लिए कैरम बोर्ड भी है देखो मस्त। और इसके राइट में यहाँ पे है सीटिंग एरिया। अगर हम पूरी फैमिली आते ना तो हम 10 के 10 लोग सारे यहाँ बैठ सकते थे, फुल चिल कर सकते थे ना सभी। याद आ रही है ना वैसे सबकी, पीयूष कुनाली सबकी याद आ रही है यार, कुनाली पीयूष चाचा चाची सारे होते ना, और बढ़िया लगता है। टीवी भी लगा हुआ है, टीवी देखना हो तो सबको। मैं ना जहाँ जाती हूँ चाची मेरे साथ आती है, हाँ। अब वो मेरे साथ नहीं आई ना, मेरे को अधूरा सा लगता है जी, है ना, अधूरा सा लगता, हाँ। है। तो मैंने आपको नीचे का दिखा दिया पूरा। इसके राइट में जाओगे तो यहाँ पे है पूल वाला एरिया, ठीक है। ये देखो कितना सुंदर से यहाँ पे ग्रास लगा रखी है, मतलब रियल नहीं है बट पत्थर लगे हुए प्यारा सा लग रहा है। यहाँ भी सीटिंग एरिया, यहाँ भी हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच डिनर जो भी करना है। और ये पूल, इस पूल में हम जा भी सकते हैं। कुनाली पीयूष आते हुए आए होते ना, चले जाते, क्योंकि ना गोवा का टेम्परेचर बहुत गर्म वाला है, तो यहाँ पे हम पूल में नहा सकते हैं। अभी कल सुबह देखते जब भी टाइम मिलेगा जरूर पूल में जाएंगे। यहाँ भी सीटिंग एरिया देखो मस्त, यहाँ भी बैठ सकते हैं, और यहाँ भी सीटिंग एरिया है, और चारों तरफ जंगल है देखो, इधर जंगल 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 के बीच में है। और ये है हमारा विला, वाइट कलर कितना प्यारा सा लग रहा है देखो पूरा का पूरा। और जो ये वाला रूम है ना, ये वाला रूम मेरा रूम है, ये मास्टर बेडरूम है, मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर जाके। हमने तीनों रूम ऊपर वाले ले रखे, नीचे वाला हमने कुछ नहीं लिया। तो अब चलते हैं ऊपर, ऊपर का दिखाता हूँ। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, लेकिन ना थोड़ी सी गर्मी है यहाँ। अरे मुझे लगा ऐसे कह रहे हो, थोड़ी सी पीयूष कुनाली की कमी है। वो तो है, अगर पीयूष और कुनाली होते ना भाई, जो हंगामा होता है यहाँ पे। तो ऊपर आ चुके हैं, ऊपर भी यहाँ पे देखो सीटिंग एरिया है, मस्त बैठ के चिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक रूम है, एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे है। तो ये वाला हमने अम्मा आबू को दे दिया है, ये देखो अम्मा आबू रेस्ट कर रहे हैं, मस्त चाय वाय पी रहे हैं यहाँ पे। ये वाला मम्मी पापा को दे दिया है, तो सेम ही है, बट भाई मेरा बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ से एंट्री है, ये देखो भाई, ये पता नहीं मच्छरदानी भी लगा रखी है भाई यहाँ तो। और ये बेड है, काफी बड़ा सा रूम है। जब बाहर से आए थे ना तब मैं सोची तू कहाँ लेके जा रहा है यार, ऐसा है और मतलब जंगल सा है, यहाँ के अच्छा लग रहा है। और मेरे रूम से बालकनी दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितना मस्त व्यू है। और मम्मी लोगों के लिए नेक्स्ट सरप्राइज क्या है वो तो मैंने आपको भी नहीं बताया, अभी देखना आप खुद ही देखना गाइस क्या सरप्राइज है। गाइस मम्मी जी के सरप्राइज आ चुके हैं। हेलो, सब होता जा रहा है, प्रणाम। मम्मी को बिल्कुल नहीं पता, सच्ची मम्मी को बिल्कुल नहीं पता। अब देखना मम्मी का रिएक्शन भाई, यहाँ से आ देख ले बस मम्मी। आराम से ऊपर 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 बाबू ये
तभी कह रहा था एक बड़ा सरप्राइज है। अच्छा हाँ जी, बड़ा खतरनाक प्लान। यार जो खुशी देखी है ना मैंने इनके चेहरे पे, मैं नीचे डर रही थी कि ये कहेंगे कि हम घूमने आए, ये कहाँ गए। वो दोनों के चेहरे पे जो खुशी थी ना, ऐसे वाली। मैं मुंबई बोल के गोवा लेके आया हूँ, पता है। हम तो प्लान बना के बैठे हुए थे पहले। हमने प्लान बनाया था कि सरप्राइज करेंगे। बार बार यही कह रही हूँ, मिलाएगा बेटा, भारती से मिलाएगा। अब कहता तो भाई काफी दिन साथ में है। सुनो तो ऐसे कह रही, वो तो दूर गई है मम्मी शूट के लिए। कहाँ गई ना? इंदौर। इंदौर गई है शूट के लिए। सही में? आ गए। इनको पता था? नहीं, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। माँ आप क्या गाड़ी चलाते हो? क्या गाड़ी चलाते हो? मैं तो कहती जितने भी है ना गाड़ी चलाने वाले, डरो भाई, अम्मा आ रही है मार्केट में। अब अम्मा आएगी अपनी खुद की सुपर कार लेके, हेलमेट जब उतारेगी ना अम्मा, बाल स्लोमो में जाएंगे। कैसे अम्मा? ठीक हो आप? बहुत बढ़िया। कैसे दादाजी? बम्बे का हाल, गोवा लेके आया। ठीक है। अच्छा आपको पता ही नहीं था? नहीं, अभी लास्ट में जब उतरे ना, जब उतरे ना उड़ने वाला, गोवा पहुंच गए। अम्मी तेरी गोवा पहुंच गए? हमने कहा फ्लाइट में नहीं बोलते हैं। हां हां कि हम गोवा पहुंच गए। हां हमने कहा गोवा पहुंच गए, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा गोवा तू क्या कह रहा है, ये गोवा आकर बैठे क्यों है? अभी मतलब 5 घंटे ड्राइव करके आए, फिर अभी जो मैं दिखाऊंगी ना आपको, आपकी जो 5 घंटे की ड्राइव है ना, 12 घंटे की हो जाएगी। मतलब नहीं, मतलब 4 घंटे की हो जाएगी। चलो आज देखते हैं पहाड़ वाले आए हैं समुंदर में क्या करते हैं। पहन लो मम्मी जी, आप भी दादी पहन लो ड्रेस। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सभी मस्त घूमने के लिए, और मम्मी को मस्त सरप्राइज मिला। मम्मी का भाई रिएक्शन देखते, भाई मम्मी तो भाई शॉक में आ गई थी मस्त। हमें तो ऐसा लगा क्या हो गया हमारे साथ। मम्मी कैसा लगा? मम्मी कैसा लगा बताओ। आज तो तूने हमारे को 2 बार वो कर दिया भाई। गाइस मम्मी जी को भारती जी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। मम्मी बोलते रहते यार भारती से बात करा दे, मिलवा दे, बट देखो आज मतलब क्या सरप्राइज मिला यार, मतलब मजा ही आ गया भाई मेरे को रिएक्शन देख के मम्मी का। अच्छा 2 दिन से प्लानिंग, उन्होंने कहा मैं गोवा जा रही हूँ, उन्होंने बोला मैं गोवा जा रही हूँ। अच्छा वैसे भी तो वैसे मुंबई जा रहे थे, मैं गोवा जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं गोवा जाता हूँ फिर। मैंने कहा गोवा घर घर वालों को बताऊंगा नहीं, सीधा गोवा जाता हूँ। बीच रेस्टोरेंट में अम्मा, वो सामने ना बीच है। मम्मी जी यहाँ पे आने का मेरा प्लान नहीं था, वो तो भारती जी खुद लाए हैं। रात का दिख नहीं रहा लेकिन है प्यारी लोकेशन। ये देखो ये पता, ये टेबल मम्मी, ये टेबल पता किसकी है? ये टेबल पता किसकी है? इधर आओ दिखाता हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, Will you marry me? कोई लड़का या लड़की जिसको बोल रहे होगे ना कि मुझे शादी करोगे, तो प्रपोज करने के लिए टेबल है ये। अगर मान लो मुझे प्रपोज करना है किसी को, तो मुझे मैं यहाँ ले आऊँगा और ये टेबल स्पेशली टेबल उसी की होगी। Will you marry me लिखा हुआ ना, समझ रहे हो मम्मी, समझ रहे हो ना। और गाइस ये हमारी टेबल, यहाँ बैठते हैं मस्त बातें करते हैं। गाइस मम्मी कहती है इसको कपड़े पहना रखे हैं ऐसे, मम्मी को रियल नहीं लग रहा था ये। ये जब भी सौरभ शादी करेगा इसका बच्चा गिफ्ट, पक्का 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 पक्का। और ये का दोस्त आ जाएगा, इसका बच्चा हम रखेंगे ठीक है, और ये का दोस्त आ जाएगा। गाइस मेरे को तो मम्मी पापा को देख के इतना मस्त लग रहा है ना, वो मतलब इतने खुश हो गए, इतने ज्यादा उनको तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मस्त बैठे हुए बातें कर रहे हैं। सुबह बता दूं गाइस ये पानी की बोतलें हैं, मैं भी डर गई थी। प्रपोज चल रहा है यहां पे, मम्मी पापा भी देख रहे हैं। देखो मम्मी बताया था ना आपको, मम्मी अम्मा पहली बार देख रहे हो ना ये सब। आगे उनका फैमिली का अपना मैटर है भाई, हैं उनके मैटर में जाए। अम्मा क्या देख रहे हो आप? अम्मा हो गया बस, पहली बार अम्मा बीच पाए और अम्मा ने क्या क्या देख लिया भाई। मम्मी पापा गलत बैठे हैं यार, आपको इधर बैठना चाहिए था। नहीं नहीं भाई सही, तीनों सही बैठे हैं। मम्मी कह रहे दुनिया, हमने तो भी देखनी दुनिया। चलो भाई मस्त पार्टी करके आ गए हैं और मम्मी आपको खुश हो गए मस्त, अब जा रहे अपने सीधा विला पे। ओके थैंक यू। विल यू मैरी मी वाले टाइम पे थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, पहुंच चुके अपने विला पे। ये रही चाबी, खोलते मस्त। दादाजी नहीं आए, मस्त दादाजी आपने बहुत चीजें मिस कर दी आज। अम्मा ने जो देखा है ना आज, अम्मा ने पूरी जिंदगी में देखा जो आज अम्मा ने देखा। तो मैं चलता हूँ अपने रूम में, तो अब करता हूँ एडिटिंग। और देखो लाइफ में पहली बार मच्छरदानी के अंदर बैठ के इस तरह से
एडिटिंग करूंगा मैं यहाँ पे भाई। तो गाइस अब टाइम आ चुका है सोने का, बिकॉज बहुत ज्यादा थक गए हैं। 5-6 घंटे मैंने ड्राइव भी किया था, उसके बाद फिर एयरपोर्ट पे भी 2 घंटे वेट किया, फिर फ्लाइट से आए, फिर यहाँ भी घूमे, और अभी 2 दिन और हम यहाँ पे, तो भारती जी के साथ में फुल मस्ती करने वाले हैं। आने वाले ब्लॉग्स में देखना। फिलहाल मैं सोता हूँ, भजन सुनते सुनते। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। You know that अरे मुझे कहानी तो पूछने थे शादी की। शादी की मम्मी पापा शादी कैसी हुई? कह रहे हैं वैसे हुई है, क्योंकि विल यू मैरी मी लिखा ना, तो शादी की यादें ताजा हो गई। फिर अम्मा कितनी देर में, कितना शादी की बातें मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें प्यार है ना शादी की बातों से? ए, आप देखो अपनी तरफ कर, हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। ये देख इसके।